दोस्तों दुनिया के ज्यादातर देश अपने नागरिकों से इनकम टैक्स लेते हैं ताकि मिलिट्री हॉस्पिटल्स और दूसरे सरकारी जरूरी कामों पर उन पैसों को खर्च कर सकें। बहुत से देशों में बहुत ज्यादा इनकम टैक्स लिया जाता है। एग्जांपल के तौर पर स्वीडन में 56.4% और सबसे ज्यादा डेनमार्क में 60.4% इनकम टैक्स लिया जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपने नागरिकों से थोड़ा बहुत या फिर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेते। नंबर 10, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप दुबई का नाम बहुत बार सुन चुके होंगे। आप में से कुछ लोग यहाँ रहते भी होंगे। अपने शहर दुबई की वजह से अरब के इस छोटे से देश को पूरी दुनिया जानती है। यूएई के नागरिकों को इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन टैक्सेस के अलावा टैक्स लेने के और भी जरिया है। जैसे यहाँ फॉरेन गैस और ऑयल कंपनी से 55% से लेकर 85% तक टैक्स लिया जाता है। दुबई जैसे शहर में होटल्स और इंटरटेनमेंट कंपनी से भी टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा यूएई में अल्कोहल पर भी 50% टैक्स लिया जाता है। नंबर 9, ओमान। कई अरब देश अपने नागरिकों से इनकम टैक्स नहीं लेते, उन्हीं में से एक है ओमान। यहाँ पर नागरिकों से टैक्स तो नहीं लिया जाता, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के लिए यहाँ चैरिटी ली जाती है। नागरिकों को उनकी इनकम का बहुत कम चैरिटी के लिए डोनेट करना होता है। उन्हें कम से कम अपनी इनकम का 6% डोनेट करना होता है। ऐसा यहाँ के 15 से लेकर 59 साल तक के नागरिकों को करना पड़ता है। नंबर 8, कतर। कतर में गैस का बहुत बड़ा भंडार है। गैस से इस देश को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है, इसीलिए यहाँ के नागरिकों से भी किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। इसका मतलब ये नहीं कि कतर कोई टैक्स ही नहीं लेता। कतर किसी कर्मचारी से टैक्स नहीं लेता, बल्कि कंपनी से टैक्स लेता है। यानी अगर यहाँ का कोई नागरिक बिजनेस कर रहा है तो उसे अपनी कंपनी की तरफ से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई उसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता। कंपनीज को लगभग 10% टैक्स देना होता है। कुछ चीजों से कतर भले ही टैक्स ले रहा है, फिर भी ये दुनिया में सबसे कम टैक्स देने वाले देशों में से एक है। नंबर 7, बहामास। दुनिया का एक घूमने लायक खूबसूरत देश है बहामास, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्व में 700 से ज्यादा आइलैंड्स पर बसा हुआ है। यहाँ पर भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ के नागरिकों को नेशनल इंश्योरेंस के लिए अपनी इनकम का कुछ पार्ट देना होता है। इससे गवर्नमेंट उन्हें कुछ बेनिफिट्स भी देती है। टैक्स फ्री होने की वजह से बहुत से दूसरे देशों के नागरिक यहाँ आकर काफी टाइम बिताते हैं, ताकि उन्हें टैक्स से कुछ बचत मिल जाए। लेकिन बहामास में रियल इस्टेट टैक्स लिया जाता है। नंबर 6, कैमन आइलैंड्स। एक और खूबसूरत आइलैंड नेशन। यहाँ के नागरिकों को भी इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं देना पड़ता। यहाँ के नागरिकों को ऐसे टैक्स नहीं देने पड़ते, तो फिर गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ और अदर सुविधाओं के लिए पैसे कहाँ से लाती है? यहाँ की गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटीज और वर्क परमिट फी से कमाई करती है। नंबर 5, बरमूडा। बहुत ही खूबसूरत देश। आपने इस देश के पास मौजूद एक रहस्यमयी जगह बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जरूर सुना होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को लाजमी दबाएं। लेकिन बरमूडा देश काफी खूबसूरत और घूमने के लिए अच्छा है। यहाँ की आबादी लगभग 65,000 है। यहाँ के नागरिकों को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट की कमाई कैसे होती है? ये देश काफी खूबसूरत है और यहाँ की गवर्नमेंट की कमाई टूरिस्ट की वजह से होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसे टैक्स देना नहीं पड़ता। एम्प्लॉय जिसके लिए काम कर रहा होता है उसे अपने सभी एम्प्लॉयज की तरफ से टैक्स देना पड़ता है, और अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसे भी टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा लैंड टैक्स यहाँ पड़ता है, यानी आपका घर अगर बरमूडा में है तो आपको लैंड टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 4, सऊदी अरेबिया। बहुत से अरब देशों की तरह सऊदी अरब के नागरिकों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाता है। यहाँ पेट्रोलियम कंपनी से 50% तक टैक्स लिया जाता है। यहाँ पर उन खर्चों पर भी टैक्स लिया जाता है जो बिजनेस करने के लिए किए जाते हैं। नंबर 3, कुवैत। कुवैत में भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। इस देश में केवल उन कंपनी से टैक्स लिया जाता है जो विदेशी कंपनीज है लेकिन कुवैत में काम कर रहे हैं। इनसे फिलहाल यहाँ 15% टैक्स लिया जाता है। नंबर 2, मोनाको। दुनिया
दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक मोनाको काफी खूबसूरत भी है। खूबसूरत होने की वजह से यहाँ लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। सन 1870 से ये अपने सिटीजन्स से इनकम टैक्स नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रकार के बिजनेस हैं जिनसे टैक्स लिया जाता है। जैसे अगर यहाँ का कोई नागरिक मोनाको के बाहर बिजनेस कर रहा होता है तो उसे लगभग 25% टैक्स देना पड़ता है। नंबर 1, बहरीन। इस खूबसूरत अरब देश के नागरिकों में जो नागरिक एम्प्लॉय हैं, उन्हें अपने इनकम का केवल 1% टैक्स के रूप में देना पड़ता है, वो भी इसलिए ताकि बेरोजगार लोगों के लिए फंड जमा किया जा सके। लेकिन ये टैक्स यहाँ की मिलिट्री के लोगों से नहीं लिया जाता।